नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला है। कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक बिहार में सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन वहीं विपक्ष मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, जेडीयू प्रवक्ता गजेंद्र मुन्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या 15 मार्च तक सब कुछ सेट हो जाएगा बिहार में? ये बिल्कुल संभावना यही जताई जा रही है, और विदेश यात्रा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौट कर भी आ गए हैं, तो संभावना पूरी है कि 15 मार्च को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और बची जो सीट है, जो मंत्री पद की जो सीट है, उस पर जो मंत्री बनाने की जो कवायद काफी दिनों से चल रही थी, और जो संभावना थी कि करीब अभी अगर मुख्यमंत्री को अगर जोड़ दिया जाए तो अभी करीब 9 मंत्री ने शपथ ले, 27 जो मंत्री पद का शपथ, मंत्री पद का जो मंत्री का जो पद है वो खाली है। तो संभावना जताई जा रही है कि 15 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें तमाम जो खाली जो मंत्रियों का पद है उसमें उसमें जो भी जिनको भी मंत्री बनना होगा वो बन जाएंगे। और 15 को ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी दिनों से विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। निश्चित तौर पर अभी तक अगर देखा जाए तो बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है। 28 जनवरी को आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद एनडीए बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद संभावना यह जताई जा रही थी कि कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, लेकिन 12 फरवरी को जब विश्वास मत हासिल कर ली एनडीए की सरकार ने, उसके बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि जो देरी हो रही है वो बीजेपी के तरफ से हो रही है, क्योंकि बीजेपी को ही सब कुछ तय करना है। ऑलमोस्ट यह पहले से तय है कि जदयू में जो मंत्री पहले से थे, यानी महागठबंधन सरकार में जो मंत्री पहले से थे, वही रिपीट किए जाएंगे। हो सकता है कुछ मंत्रियों का विभाग जो है वो बदला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो चेहरे को छोड़कर सभी जो पुराने मंत्री थे उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। तो जदयू के तरफ से परेशानी नहीं थी, हाँ बीजेपी के तरफ से जरूर थी, क्योंकि वो सरकार से बाहर थी। और अब बीजेपी को डिसाइड करना है कि किसे मंत्री का ऑफर वो देंगे, किस नेता को वो मंत्री बनाएंगे। और ये भी आ रही है कि सामने आप देख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, जो कि काफी अहम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी ने समय लिया, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि अब सब कुछ तय हो चुका है और 15 मार्च को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अरुण जी, अब तो विस्तार होने वाला है कैबिनेट का, कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक हो जाएगा। दवा जी, ये तो हम लगातार 1.5 महीने से सुनते आ रहे हैं, और जब तक हो नहीं जाए कैसे मानेंगे। और आप देख रहे हैं, सौरभ जी ने ठीक ही कहा, पहली बार हमें लगता है कि आजादी के बाद बिहार के राजनीति में, इतिहास में पहली यह घटना है। 1.5 महीने से अधिक होने चले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं बिहार का विकास ठप है। चौहोर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं सारे आम हो रही है। तो इससे 13 करोड़ बिहार की जनता परेशान है, लेकिन इन लोगों को जनता से कोई मतलब है नहीं, जन सरोकार से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए एन कैन प्रकारन हर तरह का तिक्रम करते रहते हैं। अब विस्तार को लेकर सरकार कहाँ गंभीर है, अब आंतरिक मामला क्या है, कहाँ सहमत का खेल चल रहा है, यह तो अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग ही बताएं। और आंतरिक रूप से तो हमें लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
अब मन मुताबिक सारे चीज, अभी गठबंधन के सवाल पे भी आपस में सारे लोग लड़ रहे हैं। अंदर खाने में पहले तो शपथ ग्रहण के बाद आपने देखा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार बंटवारा होना था भाजपा जदयू के बीच, वो भी कई दिनों तक रखा रहा, फिर हुआ तो फिर उसके बाद विस्तार में भी देरी हो रही। तो बिहार की जनता को भारी नुकसान है, बिहार को नुकसान है और बिहार की जनता देख रही है। निश्चित रूप से शिवाजी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए गठबंधन को सबक सिखाएगी जनता। चलिए ठीक है प्रीति शेखर जी, 15 मार्च तक तो सब कुछ सेट हो जाएगा बिहार में, किस किस को मौका देने वाले हैं आप लोग? सभा जी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, एक आध दो दिन में सभी तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और देरी का भी कारण था चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी विदेश यात्रा पर थे और लोकसभा चुनाव को लेकर चूंकि बिहार में भी अभी कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो फिर उनको फिर से विधानसभा में उनको रिपीट करना या तो उचित नहीं होगा कि बार बार कुछ फेर बदल किया जाए। तो सब चीज सोच समझ कर ही भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी और सही समय पर सही निर्णय ले लेगी, सबों के सामने ये बात आ जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार अब शीघ्र ही होगा, इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी अरुण जी जो कह रहे थे कि बिहार में बिल्कुल सब चीज बेपटरी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि राजद के प्रवक्ता के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रही या किसी से छिपी नहीं है। अपराधियों का और अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा था बिहार में, यह भी बात किसी से छिपी भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें बोलने से वो गुरेज कर रहे हो, लेकिन यहाँ की बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जानती है। और जब एनडीए की सरकार यहाँ पर बन चुकी है तो अब जल्द ही मतलब बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और जिनको भी जो जवाबदेही हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे उनको जवाबदेही उनको अच्छे जो भी जो मंत्रालय उनको मिलना होगा उसकी जवाबदेही उनको दी जाएगी और बिहार में किसी भी कामों में किसी को बाधा रुकावट नहीं आने दी जाएगी। समय पर जो विकास कार्य जो चल रहे हैं उसे पूर्ण करने की कवायद होगी, बहुत तेजी से होगी और मंत्रालय स्तर का जो भी कार्य होगा उसको शीघ्र ही निपटाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच में लोकसभा चुनाव भी है, उसमें सभी पार्टियां लगेंगी और इसमें जो भी चुनावी आचार संहिता के वजह से जो भी परेशानियां आ सकती हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो कार्य चल रहे हैं बिहार में उस विकास के कार्यों में कहीं से भी कोई रुकावट या कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा, इसकी कोशिश हमारी सरकार कर रही है और जनता को कोई भी असुविधा नहीं हो इसके लिए अपना प्रयास भी कर रही है। अब चूंकि नीतीश जी अब आ चुके हैं, वो विदेश यात्रा पर थे, अब लौट चुके हैं, तो शीघ्र ही हमारे बीच सीटों के बंटवारे की बात हो या फिर हमारे मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। चलिए ठीक है, अभिषेक गठन मुन्ना जी, क्या लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में? सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है क्योंकि 15 मार्च को तो अब कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट हो जाएगा बिहार में। देखिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तभी तो सरकार चल रहा है। बिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा आगे चुनाव है और प्रीति जी भी वही बात रखी है कि कहीं ना कहीं चुनाव में तय हो जाना है कि कुछ सीनियर लीडर को लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे, तो हो सकता है कि इसीलिए जो ये विलम्ब हुआ इसी कारण से हुआ। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और फिर उसके बाद जिस तरह से बिहार चल रहा है अब विकास के रफ्तार के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। सभा जी, चलिए ठीक है। गोपाल कृष्ण जी, क्या लगता है, आप लोगों ने तो चिराग पासवान को ऑफर भी किया था सीटों का, लेकिन उनकी तो लगता है कि बात बन गई है एनडीए में ही, होने वाला है। नमस्कार सौरभ जी, सभा जी और सभी प्रवक्तागण को। आपने जितना भी सवाल अभी तक पूछा है वो जनता के लिए नहीं पूछा है, आपने सरकार के मंत्री और एमएलए के लिए पूछा कि सरकार बनेगी, क्या मंत्रालय मिलेगा, क्या मंत्रालय मिलेगा, कौन सा लड्डू खाइएगा, ये पूछिए ना कि रोजगार दीजिएगा कि नहीं, कि जनता को खत्म कर दीजिएगा। जैसे 8 साल सन्नाटा करके बीजेपी ने रखा बिहार को, एक रुई का फैक्ट्री नहीं खोला, इसको पूछिए कि जो धुआंधार रोजगार दिया जा रहा था वो जारी रहेगा कि खत्म हो गया।
ये मुख्य सवाल है। सवाल करते हैं गोपाल जी, आज सुनने पे उठते पे रहते हैं। बिल्कुल, ये रिलेवेंट है, ये पूरी तरह से रिलेवेंट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, अच्छी बात, वो तो होगा ही। अच्छा जी, यही बता दीजिए, चिराग पासवान को तो वापस किया था ना आप लोगों ने। अभी का खबर सुन रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले, कि हाजीपुर सीट माननीय पारस जी को दिया जा रहा है। तो अब चिराग जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो फैसला लेंगे, अभी का खबर है 15-20 मिनट पहले। यानी उम्मीद है कि आप लोगों के पास ही आएंगे। आ जाए, जब हमारे साथ संविधान के साथ खड़ा होंगे, स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही, क्योंकि जब नेता बन गए हैं तो खरीद फरोख करके, लेकिन छात्रों को जो रोजगार दिया जा रहा था धुआंधार यूपी और बिहार सबको, क्या वो जारी रहेगा या उसको खत्म कर देगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी का मूल एजेंडा है कि बिहारी को बेरोजगार बनाइए, कि 35-40 साल में गुजरात में आकर 5,000 रुपया में 12 घंटा काम करे, ये बीजेपी का एजेंडा है बिहार के लिए। लेकिन मेरे जीते जी ये नहीं होगा, इसको हम होने नहीं देंगे। प्रीति जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है तो सौरभ जी के पास चलेंगे। जी प्रीति जी, गोपाल जी के जवाब देंगी। गोपाल कृष्ण जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरी जनता इस बात का जवाब दे सकती है कि बिहार में जो कल कारखाने नहीं लगे और जो लगे हुए थे वो क्यों बंद हो गए। 10 साल में नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? अब गोपाल जी, अब शांत रहिए भाई साहब। 10 साल में क्यों नहीं लगे, ये बताइए ना। गोपाल भाई साहब, थोड़ा सुनिए, आपकी बातों को हमने सुना, अब आप भी सुनिए। अब देखिए, बिहार में उद्योगपति क्यों पलायन कर गए, बिहार से रेलों में भर भर के लोग, बेरोजगार लोग क्यों पलायन दूसरे राज्यों में कर गए, दूसरे देशों में चले गए, यह जवाब तो यह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को देना चाहिए। और पिछले 10 सालों में जो बिहार सरकार ने जो रोजगार देने का काम किया, किसी को जवाब में आपने देखा होगा कि जो जो अपराधियों के, अरे गोपाल जी पहले शांत रहिए, आप सुनिए पहले बातों को, आप अपने समय बोलिएगा। देखिए सभा जी, बिहार में, अरे भाई आप ही बोलते रहिएगा, आप सुनिएगा भी सभा जी। देखिए आज बिहार में, आज देखिए पूरे बिहार में यहाँ पर कोई भी लोग उद्योग धंधा लगाने के लिए लोग कतराते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आएंगे ना उन्हें बिजली मिलेगी, ना उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना सड़क मिलेगी, और सबसे ज्यादा कि उनको कब उठाकर अपराधी ले जाएंगे और फिरौती मांगकर उनका जीना हराम कर देंगे, ये स्थिति कांग्रेस वालों ने बनाकर रखी थी। लेकिन सुनिए सभा जी, उसके बाद जब नीतीश सरकार आई तो ये सारा, ये जो एक माहौल था वो उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, बिहार में सुशासन को स्थापित किया और देश विदेशों से कई लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक हुए और कई जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जो बंद पड़े थे फैक्ट्री उनको चालू कराने की स्थिति में है। बियाडा में कई उद्योगपतियों को वहां पर नए रोजगार लगाने के लिए उनको जगह दी गई, एक नियमों का सरलीकरण हुआ, ये सारा नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ और एनडीए की सरकार में हुआ। लेकिन सभा जी पूछना चाहिए गोपाल जी, शायद वो पूछ रहे थे हमसे, लेकिन जवाब उन्हें स्वयं देना पड़ेगा और उसके गुनाहगार जो वो स्वयं है उनको जवाब देना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में, जिसमें की सहयोगी कांग्रेस भी रही, उनके कार्यकाल में एक फैक्ट्री तक नहीं लग पाई, क्यों यहाँ से लोग पलायन कर गए, और जब हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिहार में अब लोग यहाँ ठहरे, यहाँ ठहरा हो, यहाँ के रोजगार बाहर नहीं जाए बल्कि बाहर के बेरोजगार भी यहाँ आकर रोजगार प्राप्त कर ले, जब इसकी कवायद में हम लोग हैं तो इनको, इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है, ये मैं गोपाल जी से जानना चाहती हूँ। मिर्ची, चलिए ठीक है गोपाल जी, सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, सौरभ जी। जी बिल्कुल, आज जो मुद्दा है हम लोग उसी पर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, और मुझे नहीं लगता है कि चाहे बड़े उद्योग की आने की बात हो या फिर पलायन की बात हो, उसके लिए बिहार की सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बराबर दोषी हैं, क्योंकि सब लोग सत्ता में रही है। महागठबंधन की सरकार भी अगर आप देखेंगे तो पहले बार मुझे लगता है कि 2.5 साल और इस बार करीब 1.5 साल के आसपास, यानी 4 साल के आसपास महागठबंधन की भी सरकार बिहार में रही है और करीब 14 साल तक एनडीए की भी सरकार रही है, तो बराबर का दोषी है सभी पॉलिटिकल पार्टी। स्थिति अभी भी नहीं बदली है, हाँ थोड़ा परिवर्तन नौकरी को लेकर जरूर हुआ है और उसका क्रेडिट निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में ही
जो बल्क में होता है, लाखों में जो नियुक्तियां नियुक्ति पत्र जो बांटे गए थे वो महागठबंधन की सरकार में ही हुआ। हालांकि अभी जब एनडीए की सरकार बनी है तो बीजेपी भी लाख दावे कर रही है कि हम भी जो टेन्योर है यानी 2025 से पहले 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख 4 लाख के आसपास तो नौकरियां दी जा चुकी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले जो एक 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 डेढ़ साल जो समय बचा है उसमें बीजेपी या एनडीए की सरकार जो है वो 5 से 6 लाख नौकरियां देती है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो प्रीति जी से है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो समय लगा निश्चित रूप से इसका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 28 जनवरी को मुझे जहां तक याद है कि 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी, तो 2 महीने 1.5 महीने का जो वक्त लग रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या जदयू, कौन जिम्मेदार है? म्यूट पे प्रीति जी, आप प्रीति जी आप म्यूट पे जी। सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट विस्तार हो न हो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय के बीच विभागों के बंटवारा होने के बाद ऐसा कौन सा कार्य है जो कि जनहित में नहीं हो रहा है, पहली बात, ऐसा कुछ कोई गिना दे विपक्ष। दूसरी बात, कैबिनेट के विस्तार से के संबंध में यही कहना चाहूंगी कि जो भी थोड़ी बहुत देर हुई वो चूंकि लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल कह सकते हैं कि दहलीज पर है और उसको लेकर भी आप तमाम दल में ऐसी बातें होती ही हैं कि किसी भी नेता को हो सकता है उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण कहने उनको उन्हें लोकसभा में मौका दिया जाए, फिर जो खाली रहेगी तो तुरंत बार बार फेर बदल करने से ज्यादा उपयुक्त किया होगा कि हम लोग जो भी करें एक परफेक्ट डिसीजन लें और उससे जनता को फिर उसमें आसानी हो, आगे मंत्रालय में जो जिन्हें पदभार मिलेगा उन्हें भी आसानी हो अपनी कार्य योजना बनाकर इम्प्लीमेंट कराने में। तो मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोई विपक्षी यह बता दे कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने की वजह से कोई काम रुका पड़ा हो, यदि कोई एक भी गिना दे तो हम बात मान ले। आज किसी भी क्षेत्र में प्रीति जी आप मुझे ये बताइए, अगर एक एक मंत्री के पास 8 से 10 अगर मंत्रालय रहेंगे तो आपको लगता है कि सही ढंग से काम होगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी? तो फिर कैबिनेट विस्तार की जरूरत भी तो फिर अभी विपक्षी घबरा रहे हैं, तेजस्वी जी ने इतने इतने दिनों तक इतने इतने विभाग अपने पास रखे उसका फिर कौन जवाब देगा? ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो कारणों से देरी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, लेकिन नुकसान बिहार की जनता को हो रहा है। बस अब इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है, अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी होगा और सीटों का बंटवारा भी आपको जल्द ही कह सकते हैं कि 2-4 दिनों के भीतर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और अंदर में जो जो एक अपने जो प्रमुख लीडर्स हैं और जो केंद्र स्तर के जो नेता हैं सबों के बीच में आपसी बातचीत लगभग हो गई है, अब जल्द ही सबको उसका परिणाम देखने को मिलेगा सौरभ जी। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने के वजह से किसी भी आम जनता को कोई परेशानी उठानी हो ऐसी बात नहीं है। ये आपका मानना है प्रीति जी, ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन नुकसान तो होता है, बिहार की जनता को नुकसान होता है अगर एक एक मंत्री के पास 8-10 मंत्रालय रहेंगे तो निश्चित रूप से काम नहीं हो पाएगा। खैर आप जो कर रही हैं, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी ये बताइए कि इसके पहले आपके नेता ने मुझे लगता है कि 3 बार उन्होंने ये किया था, गठबंधन बदला था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। यानी पहले ऐसा देखा जाता था कि नीतीश कुमार जो चाहते थे जिस दिन चाहते थे उस दिन कैबिनेट का विस्तार होता था, जिसको वो चाहते थे कि मंत्रिमंडल में जगह मिले उस नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है, तो क्या नीतीश कुमार पहले से कमजोर हो गए हैं? क्या उनकी जो ताकत है वो पहले से घट गई है, इसी के कारण अब उन्हें बीजेपी के तरफ देखना पड़ रहा है, जबकि पहले ये होता था कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के तरफ देखती थी? देखिए सौरभ सर, ऐसा कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार पहले से और भी मजबूत हुआ है। अभी हम लोग का वोट, चाहे वो सदस्यता की बात कर ले, हम लोग अभी जो है तो सदस्यता अभियान 6 महीना पहले चला था,
उसमें भी हम लोग बहुत संख्या में पहुंच चुके हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के साथ गरीब गुड़बा और सही सही मायने में जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे पिता करते हैं, और आज वो त्रि स्तरीय पंचायती व्यवस्था हो या फिर कहीं पे भी हो, हर जगह वो दिखता है। रही बात जो है सो कमी ये मंत्रिमंडल विस्तार करने की, तो लोकसभा चुनाव था और चुनाव में कुछ वरिष्ठ लीडर जो लड़ना चाह रहे थे वो तय नहीं हो रहा था, जैसे कि संजय झा हमारे यहाँ से राज्यसभा में गए, इसी तरह से भी लोकसभा सर पे था, तो कहीं ना कहीं इस चीज का ये था कि पहले ये तय कर लें कि कौन कौन लोग जो हमारे सीनियर लीडर हैं कहीं वो लोकसभा चुनाव ना लड़े तो उनका जो सीट रहेगा, फिर इसी के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ और कोई बात नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपके पार्टी में आपके पार्टी भी है या जो MLA है उसमें से कोई जा रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी तब होगा ना जब जो लिस्ट का अनाउंसमेंट होगा कौन लड़ रहा है चुनाव, अभी तक किसी को मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कुछ लीडर लड़े या फिर भाजपा के कुछ लीडर लड़े, तो इसी कारण से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, और अब बहुत जल्दी से जो है सो विस्तार भी होगा और सीटों का जो है सो वो भी आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कौन से सीट पे कौन लड़ रहे हैं, ये भी बहुत जल्द तय हो जाएगा। और चलिए अरुण जी, हम से मतलब आपसे सेम सवाल कर रहे हैं जो सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक जी से किया था कि इसके पहले नीतीश कुमार ने 3 बार पाला बदला था, गठबंधन बदला था, लेकिन इस बार जो चीजें हो रही है ना, जो घटित हो रही है वो इसके पहले नहीं हुआ करती थी। नीतीश कुमार काफी मजबूत दिखाई देते थे पहले और हमेशा वो तय करते थे कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार कब होगा, हमारे दल से कौन कौन मंत्री बनेंगे, और करीब करीब पूरा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन कुछ लोगों का दूसरे दल में भी तय करते थे कि दूसरे दल का कौन नेता मंत्री बनेगा, ये भी तय करते थे। 100% तो नहीं लेकिन हाँ 50% जरूर तय करते थे, लेकिन इस बार देरी भी हो रही है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। देखिए सौरभ जी, पहले वाली बात अब नहीं रही, पहले वाले नीतीश जी अब रहे नहीं, अब नीतीश कुमार जी इस बार जाकर बुरी तरह फंस चुके हैं और उन्हें महसूस भी हो रहा है। ये तो अब 24 में ही जदयू समाप्त होने वाली है और जिस तरीके से अब नीतीश जी की चलती कहाँ है, एक एक चीज पर जो पहले कुछ बातें हुई होगी जो दिखता है, अब तो सारे चीज आप लोग कयास लगाते हैं, आप लोग हर चीज पर आप लोगों की पैनी निगाह रहती है, हर चीज को आप समझते हैं, बट डील हुआ कुछ हो रहा है कुछ तो ऑल इज वेल, अंदर खाने में सारा चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा है सौरभ जी। अब इसे स्पष्ट चाहे सीट शेयरिंग की बात कर लें, चाहे मंत्रिमंडल की विस्तार की बात कर लें, चाहे निर्णय की बात, आप एक साधारण देखिए ना, मुख्यमंत्री जी का आदेश विधानसभा में हो जाए, आदेश वह बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए ना स्कूल के टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया, आज तक वह आदेश पूरे दानी में फंसा हुआ है, ऐसा हुआ था क्या इतिहास में? आप बताइए, आप भी तो बहुत लंबे अरसे से बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को कवर करते हैं, राजनीति को देखते हैं, तो अब आखिर के पाठक कैसे अब अधिकारी को कौन सह दे रहा है? निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा हाथ है, भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है, जो कि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश नहीं मानते हैं अधिकारी पदाधिकारी, तरह तरह हर क्षेत्र में आप देखिए कहां, अब हर विभाग की स्थिति देख लीजिए, अपराधी घटनाएं प्रत्येक दिन हो रही है। अभी अभी प्रीति जी बोल रही थी कि भाई 17 महीने में जितने बेहतर काम हुए, चाहे आपने ही गिनाया कि रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो महागठबंधन सरकार ने किया, तेजस्वी जी का जो प्रण था जो पूरा हुआ, देश और दुनिया ने देखा और उन्होंने नजीर पेश करने का काम किया, और पहली बार आप लोगों ने भी देखा था सारे। नहीं, नहीं, मैंने मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अरुण जी, मैंने ये कहा तेजस्वी यादव का हमने नाम नहीं लिया, महागठबंधन की सरकार का नाम लिया, महागठबंधन सरकार में बिल्कुल मेरा जो प्रण था, महागठबंधन सरकार में मेरा जो प्रोमिस था हमारे नेता का, उस प्रोमिस को हूबहू लागू करने का काम किया,
क्यों नहीं कर देना 29 में। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं अरुण जी, आप लोग भूल जाते हैं मुख्यमंत्री जो थे उस समय भी नीतीश कुमार ही थे और अभी भी नीतीश कुमार ही। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम कहां कह रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने कर दिखाया, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया। अपने 9 अगस्त को सरकार बनी बिहार में महागठबंधन की, 15 अगस्त को आपने झंडा तोलन के उपरांत मुख्यमंत्री जी का वह रिकॉर्ड सुना दीजिए ना बयान, उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी देने का जो वचन लिया है, जो वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे, उसके बाद 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये तो जीता जागता उनका बयान है, पूरा देश में चला है, पर सब मीडिया चलाया है, अखबार भी चला है, और वो मेरा प्रण तो अभी भी, हमने पूरा अभी, किया अभी अरुण जी अभी भी तो जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी वो तो कह ही रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम देंगे आने वाले समय में, हम 10 लाख नौकरी देंगे, जो वादा हमने किया है वो पूरा करेंगे। नहीं बिल्कुल, वो तो वादा प्रॉमिस मेरा था, 5 लाख नौकरी हमने दिया, 1,35,000 के लमसम स्वास्थ्य विभाग में, हम तो आज भी कहते हैं जो पाइपलाइन में जो जॉब है क्रिएट करके गए हैं महागठबंधन सरकार रहते हुए तेजस्वी जी, उसको जारी करिए, 3 लाख तो हमारे सरकार का देन है पहले ही थे, जो उन्होंने 19 लाख नौकरी देने की बात कही थी 19 लाख नौकरी पूरा करें उन्होंने तो कहा था ना। यही जो है सीतारमन जी आके पीसी करके जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो पलट उधर से भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। वो हिसाब दे ना, सरकार तो बनी 2020 में, 2020 से 9 अगस्त तक एनडीए की सरकार रही, हिसाब दे ना 2000 से लेकर 2009 अगस्त 20 तक कितना रोजगार दिया, फिर पुनः बनी है, फिर बताए कितना, बिहार की जनता तो जानना चाहती है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है जनता से, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी चरम पर, गरीबी चरम पर। अभी देखिए ना पूरे देश से अब तक 10 साल में 11 लाख से अधिक छोटे मोटे जो उद्योगपति थे भाग गए देश छोड़कर, ये गलत नीति के चलते, मोदी सरकार का जो गलत नीति था, क्या हालात। ये अरुण जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, अभी आप देखेंगे भारत का विकास दर आप जान लीजिए ना, 46 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी बेरोजगारी का फौज खराब हुआ आपके सरकार 10 साल के अंदर। महंगाई था क्या 14 के पहले 350-400 में सिलेंडर मिलता था, अभी 1100 अपने यहाँ कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले इसकी आपको सूचना नहीं है। वो आंकड़ा झूठ है, वो आंकड़ा झूठा है। हाँ जो आप कह रहे हैं वो सच्चा है, बाकी आंकड़े जो राष्ट्रीय एजेंसी जो निर्गत करती है वो झूठी, वो झूठी बात कर रहे हैं। तो ये ही आपका स्टेटमेंट हो सकता है सर, हास्यास्पद ही होगा माना जाएगा कि जो राष्ट्रीय एजेंसियां बोल रही है वो झूठे हैं और आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही है। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, आप ही तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, किसको देते हैं। अरुण जी अरुण जी अरुण जी 2005 आपने देखा चरम पे था, गरीबी रेखा से बाहर हुए और विकास दर अभी कितना है ये मालूम है। आज देख लीजिए कि जितना भी जंगल राज जो बोलते थे 2005 से पहले उसका कौन जिम्मेवार था, राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेवार था, और कोई नेता नहीं है क्या, तेजस्वी यादव भी नेता है क्या उसमें, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे उस समय, क्यों नहीं उसको बनाए, नहीं बनाए आप, काहे कि आप लोग समझौतावादी हैं, अपने पुत्र को बढ़ाएंगे, दीदी जी बाप जी पिताजी सब उसी में, कोई है दूसरा हमारे पार्टी में देख लीजिए, हमारे एक वन मैन आर्मी मतलब नीतीश जी हैं, उसके बाद जो भी कार्यकर्ता है सबको समान भागीदारी मिलती है, और आपके तरफ वंशवाद की राजनीति नहीं करते हैं, चाहे राहुल गांधी से योग और लोग नहीं है क्या, राहुल गांधी से भी योग लोग हैं, उनको क्या मिला, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चल गए, आज सचिन पायलट क्यों जाने के लिए बेकल है इधर से उधर, कहीं ना कहीं अभिषेक जी और नेतृत्व किनका था ये जान लीजिए। अरे
सनी देवल और हेमा मालिनी को सांसद बनाएंगे, धर्मेंद्र को सांसद बनाएंगे, जय शाह को बनाएंगे। तो डिबेट को आगे बढ़ाएं प्लीज। जी तो गोपाल जी आप ही से सवाल है, जो सवाल हमने थोड़ी देर पहले अरुण जी से पूछा था, अभिषेक जी से पूछा था, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि अब जो नीतीश कुमार हैं और पहले भी उन्होंने 3 बार वो गठबंधन बदल चुके हैं, तो पहले जो स्थिति उनकी रहती थी और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके कारण मुझे लगता है कि हर चीज में देरी हो रही है, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर कैबिनेट विस्तार का, तो क्या नीतीश कुमार वही हैं या वो पहले से कमजोर हुए हैं या पहले से सशक्त हुए? पहले से कमजोर हो गए हैं और नीतीश कुमार की जी की माननीय नीतीश कुमार जी की छवि धूमिल हो गई है बार बार बदलने से। बिहार में योगदान है उनका, मैं उस बात को हमेशा अप्रिसिएट किया हूं, लेकिन अपनी एक गरिमा होती है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार बदलना कहीं से उचित नहीं है। और मैं तो बदलते तो आप लोग भी है ना गोपाल जी इसके लिए दोषी केवल नीतीश कुमार तो नहीं है ना, बदलते आप लोग भी हैं। वो आप लोग दोबारा तिबारा उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, बदलते तो आप लोग भी हैं। ये तो बीजेपी उनको आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, दो बार आप लोगों ने भी उन्हें स्वीकार किया है। हम तो भाई गवर्नमेंट से बाहर तो हमने स्वीकार किया, मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट से बाहर थे, हमको जो रोजगार देने की इच्छा थी। आप यहाँ बाहर कहाँ थे, आप लोग कहाँ बाहर थे, कब बाहर थे? इस बार आपका मंत्री था, नहीं नहीं विपक्ष में जब हम थे तो लोगों को होता है कि हम सरकार में जाओ और राष्ट्र की सेवा कर सके, देश की राज्य की सेवा करें। तो वही जो आप तर्क दे रहे हैं ना, वही तर्क बीजेपी भी देगी कि जब वो विपक्ष में रहती है तब वो। आप लोग और हम लोग कुछ भी कह ले, प्रवक्ता लोग कुछ भी कह ले, बिहार की जनता ने गांधी मैदान भर कर ये बता दिया कि तेजस्वी जी और गठबंधन की सरकार ने बढ़िया किया इस राज्य के लिए। वो अभूतपूर्व रैली जो गांधी मैदान को भरा गया, ये आप समझिए कि वो कोई सरकार के तंत्रों का उपयोग करके भीड़ नहीं बुलाया गया कि भाई सरकारी बस चला दो। लेकिन लेकिन उस भीड़ में गोपाल जी सबसे कम, और गोपाल जी उस भीड़ में सबसे कम कार्यकर्ता अगर मुझे दिख रहे थे ना, तो वो कांग्रेस पार्टी के। सहमत हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ, ये इस बात से मैं सहमत हूँ। और पार्टी में बहुत बड़ी गठबंधन पर ये चल रही है मंथन, दिल्ली भी लोग तलब हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। हमारी जितनी होनी चाहिए थी, हम आरजेडी के बराबर में नहीं हो पाते, पर हमारा जैसा होना चाहिए था 25-30% वो नहीं हुआ। ये हमारा पर्सनल चीज है और हम लोग बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी में मतभेद चल रहा है गोपाल जी बिहार कांग्रेस में मतभेद चल रहा है कुछ हद तक, तो ऊपरी नहीं इंटरनल एडजस्टमेंट्स कुछ चल रहा है, कुछ तो भी जो हमें लोकसभा की रणनीति को लेकर जो हमें ध्यान देने उस पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता होती है लोकतंत्र में सौरभ जी, जो हमारे विपक्ष में होने के बाद जो हमारा अभूतपूर्व भी लगता है। आपको भी लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने मन की कर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं होती बिहार का, मन की बात नहीं, हमारा निशा निर्देश दिल्ली से तय होता है, दिल्ली से निर्देश आता है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में उसको लागू किया जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी, कहीं ना कहीं हेर फेर हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग बहुत आत्मचिंतन कर रहे हैं कि 2024 को पूरी गंभीरता से पूरी ताकत से लड़ा जाए, इस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लाइन कहूंगा, जितनी देर से मैं डिबेट सुन रहा था मेरी बोलने की इच्छा हो रही थी, एक लाइन कि किसने रोजगार दिया, ये जनता ने मुहर लगाया है ना हम पर गठबंधन पर, और जनता मुहर लगा चुकी है गोपाल जी, नीतीश कुमार जी दिए हैं और आगे भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, आगे भी देंगे गोपाल जी जी। 2024 पैसा देकर बुलाया हुआ जनता नहीं था मैडम, आंगनबाड़ी की महिलाओं को आप डरा धमका के बुला लेते हैं, आंगनबाड़ी की महिलाओं को डरा धमका कर बुला लेते हैं, ये बीजेपी का रिकॉर्ड है, सरकारी बसों को लगा देते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र की महिला सेविका सहायिका को पानी की बौछार करके उनको अर्धनग्न करना, ये भी पानी बौछार को आप लोगों ने मणिपुर में किया है, महिलाओं के साथ मणिपुर किया है, महिलाओं के साथ दिल्ली में किया है आप लोगों ने, वो भी थे डिबेट में, नॉर्थ ईस्ट जला दिया आप लोगों ने, उस संघ की महिलाओं को रो रही थी, आपको शर्म नहीं आई आपकी पार्टी को उस समय, महिलाओं को कैसे आप लोगों के जैसे प्रचार किया,
और आंगनबाड़ी सेविका के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। बाबा राम रहीम से बलात्कारी को अपने पेल से रखा है 50 दिन से। हां बिहार से बलात्कारी दीदी गोपाल जी, ठीक है आपकी कमेंट सौरभ जी से लेना चाहूंगी। ठीक है सौरभ जी, क्या लगता है आपको, फिर सब कुछ सही चल रहा है एनडीए में, प्लानिंग पूरी हो गई है एनडीए की? जी बिल्कुल नीतीश कुमार, मैंने पहले ही शुरू में भी आपको वो कहा था कि नीतीश कुमार विदेश यात्रा से लौट गए हैं और मुझे लगता है कि अब सभी चीजों पर, हालांकि दो जो बची हुई चीज है, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर कैबिनेट विस्तार का, मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में वो दोनों जो मसले हैं उसका हल हो जाएगा। और एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी मुझे लगता है कि कल से परसों तक, यानी 14 तक मुझे लगता है सीट शेयरिंग की भी घोषणा हो जाएगी कि कौन 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 पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद महागठबंधन एनडीए का ही वेट कर रहा है और उसके बाद महागठबंधन की तरफ से भी सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है तो मुझे लगता है कि कैबिनेट विस्तार में जो कुछ भी देरी हो रही थी वो बीजेपी की वजह से थी, क्योंकि बीजेपी नई पार्टी है, बीजेपी सरकार में शामिल हुई है। तो अब बीजेपी को तय करना है कि उसके कौन से एमएलए कौन से एमएलसी जो है वो मंत्री बनेंगे, तो उसमें देरी हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भी आम सहमति बन चुकी है। और जैसी संभावना है कि 15 मार्च को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार ये कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक हो जाएगा। इधर बीच ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी मसला तब तक हल हो जाएगा। तो इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन अपनी सीटों को लेकर क्या करती है। क्या वो कहीं वो एनडीए गठबंधन का इंतजार तो नहीं कर रही कि बिहार में पहले एनडीए गठबंधन की सीटें तय हो जाए, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाई। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड।